दोस्तों मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड MPPGCL में असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट फिर से आ चुकी है। अगर आप फटाफट से जाएंगे वेबसाइट पर देखेंगे तो क्या डिटेल्स हैं, क्या आपको सारी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जल्दी जल्दी से सभी लोग इसको देख लीजिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों को मैं एक कुछ सूचना भी दूंगा जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में आपको जैसे ही वेबसाइट को ओपन करेंगे mppgcl.mp.gov.in, आपको नीचे आना है करियर्स के सेक्शन पर। करियर्स के सेक्शन पर नीचे आते ही आपको दिखेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर जनरेशन उत्पादन में एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में वैकेंसीज आई हुई हैं। 17 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5165। आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर जाना है और जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा और इसमें आपको हिंदी में लिखा हुआ है सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर उत्पादन यानी कि जनरेशन में वैकेंसीज की संख्या आई हुई है। मैकेनिकल में नियमित है, ये रेगुलर पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है। मैकेनिकल में टोटल पोस्ट की संख्या है अगर आप देखेंगे तो ये है आपकी 13, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको दिखेगी 15 और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसीज है 16। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 44। अगर आप नीचे आ जाएंगे यहां पर तो आपको यहां पर चयन प्रक्रिया दी गई है। चयन प्रक्रिया में इन्होंने कहा है कि सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी 100 अंकों की, 100 क्वेश्चंस की जो है आपका 100 क्वेश्चंस का सीबीटी होगा, एक अंक प्रत्येक प्रश्न का है और उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होगा, ठीक है ना। तो नीचे आ जाएंगे यहां पर आपको दिखेगा एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। सीबीटी में आपका जो है जो होगा वो मध्य प्रदेश के राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर एवं केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर आप कर देख सकते हैं, हालांकि एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा और इनका निर्णय ही अंतिम और जो है बाध्यकारी होगा, आपको मानना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करते हैं आवेदन शुल्क, जनरल के लिए आपका 1200 रुपए है। इसमें रही बात अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो जी हां, अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1200 रुपए फीस है अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल में आएंगे, और अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा और उनके लिए भी फॉर्म की फीस सिर्फ ST ST और OBC में नॉन क्रीमी लेयर की जो फीस है वो 600 रुपए है। नीचे आ जाते हैं, अगर आप सारी चीजें देखेंगे तो आवेदन कैसे करें, mponline.gov.in के पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। और फटाफट से नीचे आ जाते हैं, सारी चीजें बता देते हैं। स्टार्ट डेट जो है वो आपकी 22 अक्टूबर है, सॉरी मैंने 17 अक्टूबर बोला था, 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है, तो 22 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 20 नवंबर जो है वो आपका लास्ट डेट है, 20 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। नीचे आ जाते हैं, सैलरी और एज लिमिट देख लेते हैं, सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एई के लिए कम से कम बीटेक होना अनिवार्य है, तो बीटेक होना चाहिए आपका, और सभी ब्रांचेस में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बीटेक, अगर आप रेस्पेक्टिवली अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच में आपका बीटेक होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपने लिखा है कि ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों में अगर आपने काम किया है तो आपके पास सहायक अभियंता के साथ साथ 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता पे अगर आपने काम किया है, अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में काम कर चुके हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स के रूप में काम कर चुके हैं, तो आपको 9 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा जो है वो कम से कम 21 साल है, मैक्सिमम जो है वो 40 साल है, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो आएंगे वो 40 साल की मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आएगी, कम से कम 21 साल जो है वो होना चाहिए। 4 जुलाई 2019 के आधार पर आपको जो है ये एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी से सारी चीजें जान लेते हैं। तो आरक्षण सिर्फ स्टेट कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। रही बात सैलरी की, सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,800 रुपए तक है। लेवल 12 की वैकेंसीज हैं ये, ठीक है ना। तो मैं आपको सैलरी बता देता हूं, एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है, सैलरी भी इन्होंने बताई हुई है कितनी है सैलरी। तो फटाफट से आ जाइए, नीचे आ जाएंगे आप, नीचे 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 और आना है नीचे, हाँ जी। तो यहां पर अगर आप प्रशिक्षण देखेंगे, ट्रेनिंग आपको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी और चयन एवं नियुक्ति जो है वो सीबीटी के आधार पर ही होगा, कोई इंटरव्यू यहां पर नहीं होना है, हाँ जी। सैलरी पर आ गए तो जो सैलरी रहेगी वो 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपए और जो वेतनमान का न्यूनतम है वो 56,100 रुपए है, यानी कि शुरुआत आपकी जो सैलरी रहेगी वो 56,100 रुपीज रहेगी। लेवल 12 की वैकेंसी है जैसा कि मैंने कहा था, और
और बॉन्ड है इसमें, 3 साल का बॉन्ड है। अगर आप बॉन्ड नहीं फुलफिल करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए जो है वो जमा करने होंगे। 3 साल का बॉन्ड है, कम से कम 3 साल आपको देना ही होगा नौकरी में, ठीक है ना। और बाकी यही सारी चीजें हैं, आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं अलग अलग। जनरल में 5 वैकेंसीज है मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल में 4 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट इन्हीं जनरल्स के जनरल की वैकेंसीज में आएंगे। बाकी सारी चीजें जो है वो नीचे इसी प्रकार से इस नोटिफिकेशन में दी गई है। सो उम्मीद करता हूं कि इस नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी। और रही बात फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं, तो इनकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन के एंड होने तक, डेट ऑफ नोटिफिकेशन का एंड होना जो है वो 20 नवंबर है। 20 नवंबर से पहले पहले तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर पाओगे। 20 नवंबर से पहले रिजल्ट अगर नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, लेकिन उनका रिजल्ट की डेट जो है वो 20 नवंबर ही है। 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। धन्यवाद। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, यही आपको बताना था लास्ट में। आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के प्लेटफॉर्म पर। आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, जैसे ही आप यहां पर आते हैं आपको यहां पर ओपन करना है केजीएस एंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट पर आप यहां पर आ जाइए, अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। कोर्स में नीचे आ जाएंगे आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर। इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो नीचे आ जाएंगे, तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये सारे कोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं और टेस्ट सीरीज भी है। तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वैसे तो दिखा देता हूं मैं कहां पर है, फाउंडेशन कोर्सेज, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, टेस्ट सीरीज पर आ जाइए। तो ये टेस्ट सीरीज का जैसे ही क्लिक करेंगे इंजीनियरिंग एग्जाम्स टेस्ट सीरीज खुल जाएंगी आपके सामने। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों ही ब्रांचेस में फ्री टेस्ट सीरीज है। आपको व्यू टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना है और व्यू टेस्ट सीरीज पर जाकर नीचे एनरोल नाउ पर क्लिक कर लेना है। एनरोल नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको साइन अप करना होगा। और अगर ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप अपनी मेल आईडी के थ्रू लॉग इन करके फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। जल्दी जल्दी से जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से आप ऐप में भी टेस्ट सीरीज को देख पाएंगे और वेबसाइट के माध्यम से भी देख पाएंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लें। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप आरआरबी जेई के बैचेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। रिस्पेक्टिव बैचेस आपने देख ही लिए होंगे। 799 रुपीज में कॉम्बो बैच है, 499 रुपीज में इंडिविजुअल CVT1 एंड CVT2 का बैच है। जेई फाउंडेशन बैच 999 रुपीज में अवेलेबल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।